नमस्ते, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी एंकल की मोबिलिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी एंकल में कितनी मोबिलिटी ऑलरेडी है। तो इस तरीके से आप एक स्केल को ज़मीन पे रख लीजिए और तकरीबन 5 या 7 सेंटीमीटर से आप शुरू करिए, और आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपना बिना हील को उठाए, बिना पैर को अंदर करें, नी को ऐसे वॉल से टच करें। सपोज़ 5 सेंटीमीटर पे टच हो गया तो फिर आप थोड़ा सा पीछे आइए, 6 पे ट्राई करिए, इस 7 पे ट्राई करिए, और तब तक ट्राई करते रहेंगे जब तक आपका बिना नी में दर्द करे, बिना पैर अंदर गए या हील बिना उठे, आप अगर नी को टच कर पा रहे हैं वॉल से, मतलब आपकी उतनी मोबिलिटी तो ऑलरेडी है। तो इस तरीके से आप ट्राई करते जाएंगे, और सपोज़ आप 14-15 पे आके अब आपका नी टच नहीं हो रहा है, तो जो लास्ट पॉइंट है आपका जहाँ पे आपकी नी वॉल से टच हुई, उतनी आपकी उसमें उस एंकल में मोबिलिटी है। अब मोबिलिटी स्केल की रेंज की बात करते हैं। कोई भी अगर आपका नी एंकल मोबिलिटी अगर 10 से नीचे दिखा रहा है, तो मतलब आपकी एंकल की मोबिलिटी काफ़ी पुअर है, आपको उस पर काम करना चाहिए। 10 से 14 की अगर रेंज होती है, 14-15 तक, तो ये काफ़ी अच्छी मोबिलिटी है, ठीक मोबिलिटी है। और कोई भी अगर 14-15 से ऊपर है, मतलब आपकी बहुत ही बेहतरीन मोबिलिटी है एंकल में। तो अब मोबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ तरीके, सबसे पहले आपको इस तरीके से जॉइंट रोलिंग करनी चाहिए, मतलब 5 से 10 आप एक डायरेक्शन में घुमाएंगे, फिर 5 से 10 दूसरे डायरेक्शन में घुमाएंगे, इस तरीके से दोनों पैर पे करेंगे, चाहे किसी में मोबिलिटी ज़्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन इस तरीके से जॉइंट रोलिंग इसको कहते हैं, ये करिए। इसमें कोशिश करनी है आप फुल रेंज ऑफ मोशन करें, ऐसा नहीं कि आधे आधे में कर लीजिए, ये पूरा जो जॉइंट रोलिंग है ये एंकल से ही आना चाहिए। जितना आप टो को ऊपर उठा सके और जितना प्रेस कर सके उतना करिए। फिर नेक्स्ट है, इसमें हमें करनी है एंकल की स्ट्रेंथनिंग, जो शिन मसल्स हैं, जो आगे की तरफ मसल्स होती है पैर की, हमें उसकी स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो वीक होती हैं, तब भी एंकल में मोबिलिटी कम हो जाती है। तो इसको कहते हैं एंकल फ्लेक्शन, या आप किसी मशीन में अपना पैर डाल के और अपने पंजों को अपनी तरफ खींचें, यही चीज़ आप रेजिस्टेंस बैंड से भी कर सकते हैं, आप अपने पंजों को इस तरीके से अपनी तरफ खींचेंगे तो ये शिन की स्ट्रेंथनिंग होती है। फिर नेक्स्ट है, आपको एंकल मतलब काफ और अकीलीस को स्ट्रेच करना चाहिए, तो ये इस तरीके से आप अपनी टोस को वॉल के ऊपर रखेंगे और हील को नीचे करके आप पूरा अपने काफ को स्ट्रेच लेंगे, पीछे वाला पैर उठ सकता है। फिर ये दूसरा है, ये अकीलीस के लिए है, इसमें आप अपना ये देखिए आगे वाला पैर इस तरीके से आगे रहेगा, 90 डिग्री उसमें एंगल रहेगा नी के पीछे, और पीछे वाला पैर भी बिल्कुल पीछे, कोशिश करना है आपको पीछे वाले हील को नीचे प्रेस करने का। फिर ये नेक्स्ट है, इसमें हमें काफ की रोलिंग करनी है, फोम रोलिंग करनी है, तो इसमें आप इस तरीके से कोई एक फोम रोलर अपने काफ के नीचे रख के इस तरीके से रोल करेंगे, एक के ऊपर एक पैर करने से जो पैर नीचे है उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है, तो ये अच्छे से डीप फोम रोलिंग हो जाती है। और इसमें देखिए आप मेरे हिप्स उठे हुए हैं, तो फोम रोलिंग इस तरीके से करनी होती है कि अपना वेट जो जिस पार्ट को हम फोम रोल करना चाहते हैं उस पर पूरा आए, इस तरीके से आप पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, स्पेशली जो ये पैर का मिडल पार्ट है उस पर ज़रूर फोम रोल करें, सबसे ज़्यादा वहाँ पर नॉट्स बन जाती हैं, ये नॉट्स तब बनती हैं जब काफ, जो हम कहते हैं ना काफ टाइट हो रहे हैं, तो ये फोम रोलिंग से वो काफ मसल्स खुल जाती हैं। तो इस तरीके से आप दोनों पैर पे ये फोम रोलिंग करिए, और अगर आप देखें मैं किस तरीके से लेफ़्ट राइट घूम रही हूँ, इस तरीके से करिए ताकि आप पूरा जो मीटी पार्ट है काफ का वो भी और एंकल तक नीचे तक ले जाके आप फोम रोलिंग करें। ज़्यादा नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपकी बोन ही हर्ट करे, लेकिन जहाँ जहाँ आपको लगता है, आपको अपने आप फील होएगा जहाँ पे आपको दर्द लगता है, मतलब वहाँ पे नॉट्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे अच्छे से फोम रोलिंग करनी चाहिए। तो ये सब तरीके हैं हमारे को एंकल मोबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो पसंद आया तो ये लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें पोस्ट नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आपको पता चले जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए। तो ऐसे वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।